सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अभी बुलाई गई है कि अभी भीतर हम लोगों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। राज्य कार्यकारिणी आपात स्थिति में बुलाई गई, वो इसलिए बुलाई गई कि पार्टी की यह समझदारी थी कि जिस तरीके से इस देश में देश हित के सवाल पर और भाजपा के खिलाफ लोगों का एक गोलबंदी हो रहा है, यह गोलबंदी चुनाव में भी दिखना चाहिए। और उस गोलबंदी को बनाने के लिए ना सिर्फ आंदोलनों में बल्कि राजनीतिक रैलियों में भी उस गोलबंदी को करने का प्रयास किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम केस हुआ, उसके बाद वामपंथी पार्टियां जब रोड पे उतरी तो उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस भी रोड पे आए, और यह जो संघर्षों में एकता बनी, संघर्षों में इस एकता को मजबूती देने के लिए जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी रैली पटना के गांधी मैदान में बुलाई तो सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया एनडीओ को छोड़कर। और ये खुशी की बात है कि सभी राजनीतिक दल उस मंच पर आए और एक आवाज़ निकली, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ हो या आरजेडी के पूर्वे साहब की आवाज़ हो, मांझी जी की आवाज़ हो, शरद यादव जी की आवाज़ हो, सभी लोगों ने एक मुश्त यह बात कही कि देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के सवाल पे भाजपा विरोधी मत में बिखराव नहीं होना चाहिए। और यह जो समझदारी है, यह समझदारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हर हालत में किसी भी कीमत पे, चाहे बतौर पार्टी हमको कोई नुकसान उठाना पड़े सांगठनिक, लेकिन हम राजनीतिक समझौता इस शर्त पे नहीं करेंगे कि अपने संगठन की प्रतिष्ठा के लिए, अपने झंडे के डंडे को ऊंचा रखने के लिए और अपने ईगो के चक्कर में इस देश के ऊपर जो एक अघोषित आपातकाल है उस लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं करेंगे। और यह जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आज की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हम एक पार्टी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम देश हित में भाजपा विरोधी मतों का बिखराव करेंगे। और यह जो हमारा निर्णय अभी आया है कि बेगूसराय सीट हम लड़ेंगे, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जन भावना का ध्यान रखते हुए पार्टी ने अपने राजनीतिक लाइन को बचाते हुए यह सांगठनिक निर्णय लिया है। और यह जिम्मेवारी मेरे कंधे पर सौंपी है कि कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश मैदान में हो। आपको पता होगा कि अपने बरबोलेपन के लिए मशहूर, बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले 5 साल में कि वो भारत के किसी विभाग के मंत्री हैं। मैं गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे तो बार बार यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं, हर बात पर किसी को जो है पाकिस्तान भेजते रहते हैं। उस कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। रही बात बाकी 39 सीटों की, मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपनी पार्टी के बिहाफ पे आप तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिहार या देश के किसी भी हिस्से में देश हित को लेकर भाजपा विरोधी मतों का बिखराव नहीं करेंगे। और इस बात की पूरी तफसीस की जाएगी, इस बात को अच्छे से हम लोग विश्लेषित करेंगे, और विश्लेषित करने के बाद जहां संभव होगा कि जिस तरीके से सभी लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन से बाहर रखा गया है, क्या इनके समर्थन से कुछ सीटों को जीता जा सकता है, जहां पर जीत की संभावना प्रबल होगी उन सीटों पर पार्टी विचार करेगी। और इन सीटों के अलावे जिसकी चर्चा अभी राज्य सचिव ने की, तमाम सीटों पे हम लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे। और यह बात मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ
कि यह महागठबंधन का समर्थन किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की समर्थन का सवाल नहीं है। यह देश की जनता की भावना को कद्र करने का सवाल है। यह एक तरफा प्यार हमारा किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्सों में जातीय और धार्मिक दोनों तरीके का उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है, बिहार की यह धरती बुद्ध की धरती है, शांति और अहिंसा की धरती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हिंसा का सहारा, नफरत और उन्माद का सहारा लिया जा रहा है, इस दौर में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपना समर्थन उन तमाम लोगों को करेंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं। स्वाभाविक तौर पे इसको कई बार इस रूप में देखा जाएगा कि आपको इग्नोर किया गया है, आपको महागठबंधन में शामिल नहीं कराया गया है, कहीं आपके बीच में और किसी अन्य नेता के बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमारी लड़ाई आज के डेट में भाजपा से है, और भाजपा से इसलिए है कि भाजपा के अलग अलग नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। और जिस तरीके से संविधान पे हमला हुआ, जिस तरीके से संविधान की कॉपी दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया, 100 मीटर की दूरी पर, पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पर, यह एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से इस देश में दलितों पे अत्याचार बढ़े, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बढ़े, जो बेबाकी से लिखने पढ़ने बोलने वाले पत्रकार हैं उनको नौकरियों से निकाला गया, और गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की गई, जिस तरीके से आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला गया, जिस तरीके से रोहित बेमिला को आत्महत्या करने पर विवश किया गया, जिस तरीके से नजीब की माँ को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया क्योंकि वो कह रही थी कि हमारा बेटा कहाँ है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले, और सरकार इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय तरह तरह की कहानियां बनाई। जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे गैस के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए, और जो डॉक्टर ने बचाने का काम किया उस डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया गया, जिस तरीके से दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई, आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में यह जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के कंधे पे है कि हम अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता ना करें, हम अपने पार्टी की चिंता ना करें, हमारी पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम इसकी चिंता ना करें। आज हमारी चिंता सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की है तो वो देश की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है, और इसको बचाने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और इस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई RJD, कांग्रेस, रालोसपा, हम या फिर मुकेश सहनी जी की पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई साफ साफ आज के वक्त में जो हम लोग लड़ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ लूट है। हम हक और सच के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे, और हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मैं आज पहली बार पटना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आप लोग पॉलिटिकल बीट कवर करने वाले सीनियर पत्रकार हैं, और भारत में बिहार को एक राजनीतिक जगह माना जाता है। तमाम नेताओं को आपने दिल्ली और पटना का चक्कर लगाते हुए देखा होगा, हम उस समय बेगूसराय का चक्कर लगा रहे थे। हम ये इंश्योर कर रहे थे कि बेगूसराय में दंगा नहीं हो, हम ये इंश्योर कर रहे थे जब मालूम चला कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से कैंडिडेट बनने वाले हैं तो वहाँ पर एक धार्मिक उन्माद न खड़ा किया जाए, हम उस कोशिश में लगे हुए थे। और बेगूसराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार हमको दिखाया है, मैं समझता हूँ कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना उस जनता की भावना का ख्याल करना है। हम चुनाव मैदान में हैं, और हमारी लड़ाई RJD से नहीं है, हमारी लड़ाई तनवीर हसन साहब से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा, इस बात की हुंकार हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को इस पे संबंध में प्रश्न पूछना है उनका प्रश्न आमंत्रित है। ये बड़ा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के वोटों का बिखराव नहीं हो, इसके बारे में पिछले 10 मिनट में आपने बताया, लेकिन आपका ये जो तर्क है, आप ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव ने आपको घास नहीं डाला है। देखिए, एक बात तुम्हें बता दूं, मैं गधा नहीं हूं कि कोई मुझे घास डालेगा। मैं इंसान हूं और मैं रोटी खाता हूं, और मेरी लड़ाई भी रोटी खाने की है, तो मुझे यह बात की कोई परवाह नहीं है कि कहां से घास मिला और कहां से घास नहीं मिला। हम घास और यह जो तरह तरह की चीज़ें होती है, इस तरह के राजनीतिक टर्मोलॉजी में, उस जुमलेबाजी में हमको नहीं जाना है।
मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं यहां से, हमारी लड़ाई तनवीर जी से है ही नहीं। रही बात जो हम समझ रहे हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसको सिंपली आप समझिए कि वह भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसके उनके अपने राजनीतिक गुनागणित हैं। अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि आप बिहार के युवा चेहरे हैं, युवाओं को युवाओं के साथ आना चाहिए, ये तो उम्मीद है। मेरा ये कहना है कि आप जो है इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से समेट करके क्यों देखना चाहते हैं। मैं आपको मौके गिनाता हूं जहां हम लोग साथ में संघर्ष में रहे हैं। दिल्ली में जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर के एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे बुलाया गया था तो हम लोग साथ में थे। पटना की सड़कों पे भी लोग उतरे। चुनाव के समय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें यदि गठबंधन नहीं हो पाया तो उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा गठबंधन नेता से हो ना हो जनता से हो चुका है। कन्हैया जी एक सवाल है, सुनिए ना कन्हैया जी, तेजस्वी की बात यहाँ नहीं हो रही है। युवा होने आप ये बताइए कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लच्छेदार भाषा है आपकी, बहुत बढ़िया सब की बात रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फायर ब्रांड नेता है, भविष्य है अपनी पार्टी के, लेकिन आप जितनी बात कह रहे थे उसमें एक बात का केवल जवाब जी पूछिए। आपने कहा कि बिहार की जनता से हमें प्यार है, हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आप लड़ाई ही लड़ रहे हैं, आप भाषण देंगे क्या, आप कहेंगे कि भाई तनवीर हसन को दे दीजिए, आप नहीं देंगे। सुन लीजिए, आप रियलिटी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप रियल आपकी अच्छी भाषा, अच्छा सुनिए आप मेरी बात, आपकी एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आप बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के प्यार के नाम पर आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जिताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई उनसे नहीं है? देखिए सबसे, क्या ये रियलिटी नहीं है कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव में हर कोई लड़ता है एक दूसरे से? देखिए सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि आप जो ये बार बार रियलिटी चार पाँच बार बोले तो आपको बेगूसराय का रियलिटी कितना मालूम है? बेगूसराय में कितना ब्लॉक है ये भी आपको नहीं मालूम होगा। बोलिए कितना ब्लॉक है बेगूसराय में? नहीं जानते, नहीं जानते, वक्त आएगा मैं बोलूंगा, नहीं बता पा। ये ब्लॉक कितना है और थ्री पॉइंट कितना मुखिया है, कितना ब्लॉक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हमको लेना देना है। देखिए मेरा जवाब सुन लीजिए, सुनिए, नहीं आप सवालों का जवाब दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है, मैंने अपनी PhD जमा करके बेगूसराय में ही वक्त बिताया है, बेगूसराय का गांव-गांव घूमा हूँ। बेगूसराय में आज की जो हालात है उसको आप समझ लीजिए, बेगूसराय में आज की हालात यही है। और ये बात जब भी आप पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम बार बार क्या जवाब देते थे, हम यही कहते थे कि जनता फैसला लेगी। और जब हम जनता के बीच थे बेगूसराय में आज के डेट में, और ये बात आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अब आप चूंकि न्यूज बनाना चाहते हैं, आपको कुछ लिखना है, उसका डिटेलिंग लिखना ये अलग बात है। बेगूसराय में आप किसी से भी पूछ लीजिए, बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेज कन्हैया कुमार की लड़ाई है, आप सर्वे करके देख लीजिए। रही बात आपके खेल को खराब करना चाह रहे हैं, नहीं नहीं तनवीर हसन के खिलाफ वोट मांगे, बोलिए ना भाई तनवीर हसन के खिलाफ वोट मांगे, नहीं हम तनवीर हसन के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे, हम इस देश के हित में वोट मांगेंगे, तो फिर संविधान के हित में हम वोट मांगेंगे। और लोग जो है वोट का बंटवारा हुआ ना आपके वोट का, बोलने दीजिए, ये कहेंगे कि तनवीर हसन के लिए वोट मांगे। भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव बिहार में बहुत कम होने की संभावना है, उसका कारण हम आपको बता देते हैं। गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में बना या टूटा है, तनवीर हसन क्या हारेंगे ना, बोलने दीजिए ना, बिहार में गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में हुआ है, बिहार की जनता ने गठबंधन पहले किया है। इसलिए मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड जब हुआ तो क्या बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पे आए कि नहीं आए, तो सवाल है। मेरा ये कहना है वो आपके खेल को खराब कर रहा है। तनवीर हसन को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे आप बता दीजिए। तनवीर हसन लड़ाई में है ही नहीं,
अरे ठीक है, तो महागठबंधन के वोट जो है आपके बंटवारा होगा ना, आपके वोट नहीं होगा तो वो हारेंगे, नहीं होगा हारेंगे वो तो 23 को पता चलेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एक राजनीतिक सच्चाई आप लोग समझिए। आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बिहार में पत्रकारिता करते हैं। आज के डेट में बिहार के भीतर बिल्कुल दो तरीके का खेमा बन रहा है। एक वो जो लोग अपनी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति दिखा रहे हैं उनका खेमा है, दूसरा खेमा वो है जो आज के डेट में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी दरवानी कर रहे हैं। यह ध्रुवीकरण हो चुका है।